Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for a... तो हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज यहाँ पे Redmi Note 8 Pro इंडिया से रिलेटेड आज एक गुड न्यूज़ भी है और आज एक बैड न्यूज़ भी है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि आपके Redmi Note 8 Pro इंडिया में अभी ऑफिशियली MIUI का 12.0.5.0 का Android 10 पे बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है। और फ्रेंड्स हमें Redmi Note 8 Pro में ऑफिशियली चाइना में, ग्लोबल में और यूरोप में और हमें रशिया में भी MIUI का 12.5 और एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट Redmi Note 8 Pro के लिए देखने के लिए मिल गया है। मगर फ्रेंड्स इंडिया में अभी तक हमें कोई भी न्यू अपडेट देखने के लिए नहीं मिला था। तो फ्रेंड्स आज हमें Redmi Note 8 Pro में इंडिया में ऑफिशियली MIUI का 12.0.6.0 का Android 10 पर ही बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट 2.1 GB का रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये वाला अपडेट का साइज हमें 2.1 GB का देखने के लिए मिल जाता है। मगर फ्रेंड्स इस अपडेट में हमें Android 11 और ना ही MIUI 12.5, हमें इसमें Android 10 का ही सपोर्ट अभी भी देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है Redmi Note 8 Pro इंडिया यूजर्स के लिए। तो फ्रेंड्स इस अपडेट का शायद हमें 2.1 GB का इसलिए देखने के लिए मिलता है क्योंकि फ्रेंड्स इस अपडेट में हमें इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन कर दी गई है और इस अपडेट में हमें जून का सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिल गया है। तो फ्रेंड्स हमें अब इसमें इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब कि अब हमें डेवलपर्स को MIUI 12.5 और एंड्रॉयड 11 का अपडेट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स सो दैट वी डोंट फेस बग्स इन एंड्रॉयड 11 एंड दे कैन जस्ट अप्लाई द MIUI 12.5 ऑन टॉप ऑफ द जून सिक्योरिटी पैच, मेकिंग देयर वर्क इजियर एंड बग फ्री। तो फ्रेंड्स ये वाला जो अपडेट है Redmi Note 8 Pro का MIUI का 12.0.6.0 का, इसमें हमें एक भी बग देखने के लिए नहीं मिलता है। हमें इसमें फुली ऑप्टिमाइजेशन और हमें इस वाले अपडेट में कोई भी बैटरी ड्रेन का भी इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर ये अपडेट आपके फ़ोन से जा चुका है तो आपको सिंपली इसकी रिकवरी फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो इसकी आपको रिकवरी रोम को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अपने अपडेटर सेक्शन में आ जाना है। अपडेटर सेक्शन में आ जाने के बाद आपको सिंपली MIUI के लोगो पे 12 टाइम्स टैप करना है, फिर आपके एडिशनल अपडेट फीचर्स ऑन हो जाएंगे। फिर फ्रेंड्स फिर आपको सिंपली यहाँ से चूज़ अपडेट पैकेज में आ जाना है और चूज़ अपडेट पैकेज में आने के बाद आपने वो डाउनलोडेड रोम जहाँ पे भी सेव कर रखी है आपको सिंपली उस रोम को सेलेक्ट करके आपको सिंपली ओके पे टैप कर देना है। फिर आप Redmi Note 8 Pro के MIUI के 12.0.5.0 से MIUI के 12.0.6.0 पे बूट हो जाओगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स ये अपडेट का साइज 2.1 GB, तो अब हमें Redmi Note 8 Pro में MIUI 12.5 और Android 11 हमें विद इन 1 month, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें इंडिया में 1 month के अंदर अंदर MIUI 12.5 और Android 11 देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। Hey Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for it.